हेलो एवरीवन, आई एम आकाश एंड यू आर वाचिंग अमेजिंग सर्जी। दोस्तों, हमारा देश दो लोगों के कारण चलता है। एक तो हमारे जवान जो सरहद पर लड़ते हैं हमारे लिए, और एक तो हमारे किसान जो हमारे देश का पेट भरते हैं। पर आज यही किसान भाई मुश्किलों में, आज इन्हीं किसान भाइयों को वो सपोर्ट, वो इज्जत नहीं मिल पा रहा है जो वो डिजर्व करते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में हमारे फार्मर्स की प्रॉब्लम्स के बारे में। और अगर आप ये चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक, हिट द लाइक बटन। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों, इंडिया में 390 मिलियन से ज़्यादा कल्टीवेबल लैंड है, फार्मिंग लैंड है, जिसमें 600 मिलियन से ज़्यादा फार्मर्स काम करते हैं। मतलब हमारी टोटल पॉपुलेशन के 50% पॉपुलेशन हमारी फार्मर है। अगर हम 2017 और 2018 की रिपोर्ट्स की बात करें तो एट एन एवरेज देश में हमारे रोज 10 से ज़्यादा सुसाइड होते हैं फार्मर्स के। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आज फार्मर इतना डिप्रेस है, इतना डिप्रेशन में है कि वो सुसाइड किए जा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? जब देश में हर पॉलिटिकल पार्टी ये बोलती है कि हम किसान का कर्जा माफ़ करेंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि हम ये योजना लाएंगे, वो योजना लाएंगे, तो भी फार्मर क्यों इतने सुसाइड रेट क्यों बढ़ रहे फार्मर्स के? जब देश में इतनी डिमांड है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, तो क्यों हमारा किसान इतना बेबस है, इतना सैड है, इतना डिप्रेस है कि उसे अपनी जान तक लेना पड़ता है? तो दोस्तों, प्रॉब्लम तो बहुत है किसानों को, और ये जानना हमारी ड्यूटी है ताकि हम उसको हेल्प कर पाए। तो प्रॉब्लम नंबर 1, बारिश। दोस्तों, फार्मर की लाइफ सैड होगी या हैप्पी, ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, पहला बारिश और दूसरा उसकी मेहनत का सही दाम। तो दोस्तों, हो क्या रहा है, अभी थोड़ी सी बारिश हुई तो किसानों ने अपने जो सीड्स थे वो बो दिए, पर अभी बारिश रुक सी गई है तो वो जो सीड्स जो बो दिए थे वो अभी वेस्ट हो गए। और एक और फैक्टर है कि जब हम सीड्स बोते हैं, जब वो फार्मर सीड्स बोता है तो उन्हें खाद की ज़रूरत होती है। तो जब वो किसान खाद लेने जाता है वो डीलर के पास, तो वो डीलर बोलता है कि माल ख़त्म हो गया है, और जबकि माल रहता है स्टॉक में, स्टिल वो बोलता है कि माल ख़त्म हो गया है और उसे दुगने दामों में बेचा जाता है। ये केसेस, बहुत सारे केसेस पकड़े गए हैं, अभी औरंगाबाद का रिसेंट केस था जिसमें वो पकड़ा गया था, तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। दोस्तों, किसी साल बारिश टाइम पे होती है, किसी साल बेमौसम बारिश हो जाती है, किसी साल ज़्यादा बारिश होती है, कम बारिश होती है, तो नेचर भी हमेशा किसानों का साथ नहीं देता। दूसरा फैक्टर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का प्राइसिंग। दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो हमारे किसान हमेशा फेस कर रहे हैं। दोस्तों, होता क्या है कि कोई एक फिक्स प्राइस नहीं है, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक फिक्स प्राइसिंग डिसाइडेड नहीं है गवर्नमेंट थ्रू। दोस्तों, किसान जब खेत में कुछ लगाता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसे ये भी पता नहीं होता कि वो इन्वेस्टमेंट निकलेगा कि नहीं, मतलब प्रॉफिट निकलेगा कि नहीं उसमें से। कभी कभी तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता उनका, जिसका फ्रस्ट्रेशन वो लोग रास्तों पर सब्जियाँ फेंक के या फिर दूध फेंक के आप देख ही रहे हो निकाल देते हैं, क्योंकि यार देखो उनको भी घर चलाना है, तो कोई भी प्राइस दे डीलर उन्हें बेचना ही पड़ता है मजबूरी में। अब तीसरा, एक्सपोर्ट। अब कैसे, कोरोना के कारण जो एक्सपोर्ट है वो थम सा गया है, मतलब हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है। उसके कारण क्या है, सब्जियां, फ्रूट्स, अदर जो प्रोडक्ट्स है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसके जो प्राइस है वो नीचे आ गए। अब आगे चल के एक्सपोर्ट अगर खुल गया, फुल फ्लेज में खुल गया, तो अच्छे प्राइस मिलने की उम्मीद है उन्हें। अब चौथा, गवर्नमेंट स्कीम एंड कर्ज माफ़ी। दोस्तों, गवर्नमेंट काफ़ी कुछ स्कीम्स फार्मर्स के लिए लाती है, किसानों के लिए लाती है, पर उसका पूरा फ़ायदा किसानों को नहीं मिल पाता है। जब बारिश कम होती है या फिर बारिश ज़्यादा हो जाती है, अगर जो प्रोडक्ट्स है वो ख़राब हो जाते हैं, ग्रेन्स ख़राब हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट देती है फंड्स, काफ़ी फंड्स देती है, लेकिन वो डायरेक्ट फार्मर्स के खाते में जमा नहीं होते। ये सारा फंड्स जो रहता है ये बीच में ही खा लिया जाता है, जो बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं वही खा लेते हैं, किसानों तक कुछ भी नहीं पहुंचता। दोस्तों, बहुत सारी स्कीम्स तो फार्मर को पता भी नहीं होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप जॉब ढूंढते हो तो आप कहीं कोई वेबसाइट में जाके जॉब ढूंढोगे, या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट देख के आपको पता चलता है कि वहाँ पर्टिकुलर जगह पर जॉब वैकेंसी खुली है। वैसे ही जब स्कीम गवर्नमेंट कोई स्कीम खोलती है, तो कोई एडवर्टाइजमेंट या फिर कोई वेबसाइट ऐसी नहीं है पर्टिकुलरली कि उनको पता चले, फार्मर्स को पता चले कि ये स्कीम्स उनके लिए है। और देखो, हर कोई फार्मर के पास, हर एक किसान के पास स्मार्टफोन नहीं है या फिर सुविधाएं नहीं है, ठीक है, तो ये ग्राम पंचायत का काम बनता है कि हर एक फार्मर को पता चले, लेकिन उसमें भी पॉलिटिक्स खेलता है। ग्राम पंचायत वाले सिर्फ उन्हीं लोगों को बताते हैं जो उनके क्लोज हो, या फिर जो बड़े साहूकार या फिर बड़े फार्मर्स लोग हो, छोटे फार्मर्स को इसका पूरा ज्ञान नहीं होता और पता भी नहीं चलता उन्हें। इस तरीके से जो गरीब फार्मर्स है
उनको योजनाओं का प्रॉफिट भी नहीं मिल पाता है। दोस्तों आपने हमेशा देखा होगा कि बड़े पॉलिटिशियंस लोग ही कर्ज माफी के नारे लगाते हैं। कोई भी गरीब फार्मर को आपने कभी नहीं सुना होगा कि हमारा कर्ज माफ कर दो, क्योंकि यार गरीब जो फार्मर है उसको कर्ज माफी का कोई प्रॉफिट है ही नहीं। पहली बात देखो दोस्तों, कर्ज माफी ऐसा है कि एक दो साल में कर्ज माफी करती भी है गवर्नमेंट, पर ये उन लोगों के लिए फायदा होता है जो लोग कर्ज भर सकते हैं, जो बड़े फार्मर्स लोग हैं उन लोग कर्ज भर सकते हैं, ये वो लोग इसका फायदा उठाते हैं। गरीब फार्मर को इसका कोई फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सी जब कोई फार्मर लोन लेता है तो जो गरीब फार्मर है वो ये सोच के थोड़ा थोड़ा भर देता है, थोड़ा थोड़ा भरना चालू कर देता है कि यार अगर आगे चल के कर्ज माफी नहीं हुई तो उसे उतना बड़ा अमाउंट भरना बहुत मुश्किल हो पाएगा, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा हर साल हर महीने थोड़ा थोड़ा भर देता है। तो जब तक एक दो साल में अगर कर्ज माफी होती भी है तो वो आधे से ज़्यादा जो कर्ज है वो तो भर चुका रहता है। वही जो बड़े फार्मर्स लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, एक दो साल वेट करते हैं, दो तीन साल वेट करते हैं कि अगर कर्ज माफी होगी तो उनका फायदा है, अगर नहीं भी हुई तो उनमें इतना है पावर कि वो भर सके। और कोई छोटा फार्मर चाहता भी नहीं है कि उसकी कर्ज माफी हो, वो सिर्फ ये चाहता है कि उसके हक के पैसे उसे बस बराबर मिले। तो दोस्तों कोई किसान को कर्ज माफी चाहिए भी नहीं, उन्हें बस एक फिक्स प्राइस सिस्टम चाहिए। फिक्स प्राइस सिस्टम मतलब कोई भी पर्टिकुलर उनका जो प्रोडक्ट है उसका एक फिक्स प्राइस हो, उससे नीचे प्राइस ना उतरे, ताकि उन्हें जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें पता हो कि हमें प्रॉफिट नहीं पर इससे इस पर्टिकुलर प्राइस से नीचे तो नहीं जाएगा हमारा प्राइसिंग। इवन ग्राम पंचायत में भी स्ट्रिक्ट लॉज और मैनेजमेंट यूनिट्स चाहिए, ताकि हर जो भी योजना गवर्नमेंट ला रही है, स्कीम्स ला रही है, वो हर एक किसान भाई को एक जैसा मिले। दोस्तों नेपोटिज्म की बात तो सब करते हैं, लेकिन एक किसान अगर सुसाइड करता है तो उसके बारे में कोई नहीं सोचता। सो अवर फार्मर्स आर अवर प्राइड, लेट्स सपोर्ट देम। जय किसान।